भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने कल लगातार दूसरे दिन एक बार फिर कैंडल मार्च निकालकर पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर हुए व्यवहार का विरोध किया। ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा, मैं पहलवानों से अनुरोध करूंगी कि आप ये लड़ाई ना छोड़ें। पहलवान जो भी निर्णय लेंगे उसे देखते हुए हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। हम पहलवानों के समर्थन में मोमबत्ती जलाकर गांधी मूर्ति तक जाएंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम नहीं छोड़ेंगे। हम पहलवानों से बात करेंगे और फिर से हमारी टीम भेजेंगे। पहलवानों के समर्थन के लिए किसी न किसी को सड़क पर उतरना होगा। वहीं ममता बनर्जी ने ये भी सवाल खड़ा किया कि आखिर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में गांधी प्रतिमा तक कैंडल लाइट मार्च के दौरान ममता बनर्जी को एक बाइक पर भी सवार देखा गया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि रेसलर्स के सपोर्ट में सीएम ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता की सड़कों पर बीते बुधवार को भी पैदल मार्च निकाला था। इसमें ममता बनर्जी भी शरीक हुई। इस मार्च के साथ ही ममता पहलवानों के लिए सड़कों पर उतर कर मार्च निकालने वाली पहली मुख्यमंत्री बन गई है। गौरतलब है कि पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक महीने से ज्यादा वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। इसको लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित 2 FIR दर्ज की है, लेकिन खिलाड़ी अभी भी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीती 28 मई को जब नई संसद के उद्घाटन के दिन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद खिलाड़ी हरिद्वार में गंगा नदी में मेडल बहाने पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया और 5 दिन का वक्त मांगा। बहरहाल एक तरफ जहां पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने भी पहलवानों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये मामला आगे जाकर क्या नया मोड़ लेता है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी बड़ी अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।